सुबह भी निकल चुके हैं जिम के लिए, और आज जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं बैक का करेंगे, लेकिन साथ में हमारे दो भाई आए हैं जो कि ऑल्सो सेम फील्ड यानी क्रिएटर हैं, और आज हमारा पहली बार मीट हो रहा है, तो उस मीट के चलते एक वर्कआउट। तो अभी आप लोग को लेके चलता हूँ जिम, और जिम में दिखाता हूँ कि कौन है वो दोनों। तो ये है अंश भाई। अंश भाई, अब जरा बताइए कि आप अपने चैनल के थ्रू क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑडियंस के लिए। कभी सोचा नहीं ऐसे, बट भाई ये सोचना पड़ता है। अच्छा, ये आप करना क्या चाह रहे हो? तो यार देखो, हमारा मेन फोकस रहता है कि भाई आप लोग एंटरटेन हो, खुश रहो, मतलब बेसिकली ये यार। एक तो थोड़ा लगता है कोई इन्फ्लुएंस अगर अच्छा मिले तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें जो है, जो पोलाइटनेस, जो काइंडनेस इंसान में होनी चाहिए वो बताना है, और रियलनेस जो इंसान की वो रहनी चाहिए। बेसिकली यार आप लोग खुश रहो, मजे करो, इन्जॉय करो, यही सारा मकसद रहता है। हमारा चैनल का ये मकसद है कि हम बकचोदी फैलाएं और इन्जॉय करें सारे मिलके, और जो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि लोगों को भी फील कराएं जो हम उस टाइम पे फील कर रहे हैं, बिकॉज फील कराएंगे। हाँ, सम हैप्पीनेस, बकचोदी, वो खुशी भैया, मतलब शॉर्ट भाषा में मुंडो वाली बकचोदी। हाँ, है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, दुनिया में गम बहुत है, आप लोग एंटरटेनमेंट चला रहे हो। और दूसरी बात, आज हमने लगाया है चेस्ट का वर्कआउट जिसके सिनेमैटिक्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। डिटेल्स इसलिए नहीं डाली उसमें क्योंकि जिम में गाने बड़े तगड़े बज रहे थे। तो अंश भाई एक बार बताओ वर्कआउट कैसा था? बहुत भाई, बहुत मजा आया आपके साथ वर्कआउट करके भी। थैंक यू। तो मतलब वैसे तो अकेले ही करता हूँ मैं, बट थोड़ा भाई भी थे तो सपोर्ट भी करा उन्होंने, और हेल्प भी करी, काफ़ी चीज़ें भी बताई कि कैसे कैसे, मतलब थोड़ा फॉर्म और इन सब में कि इम्पैक्ट कैसा है हर चीज़ का, तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब सही रहा उसमें। आपको कैसा लगा? इसमें तो बहुत अच्छा वर्कआउट किया, खैर करा ही नहीं था। एक चीज़ मैं अंश भाई के बारे में बोलना चाहूँगा, मतलब एक मैं वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर भी अभी तक नहीं आई है। पब्लिक में ना ऐसे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये इसकी इसकी पब्लिक स्पीकिंग बड़ी तगड़ी है। जो मैं देख रहा था ना, आज तक मैंने अपने जिम में ऐसे लोगों के सामने ऐसे करके बात नहीं करी होगी कैमरे से। वो बेशर्मी है, वो इज्जत कहीं है नहीं, कहीं बची नहीं, तो फिर अब यही बचा भाई। ये मेरे अंदर अभी तक नहीं है, मेरे को डेवलप करनी है चीज़। मेरे साथ बड़ी खराब है ये, मैं ना लोगों को देख के शर्मा जाता हूँ, और फिर मैं यार ये वो करने लगता हूँ। भाई ने बड़ी स्मार्टली अपना चैनल भी प्लग कर दिया, तुम देख रहे हो। बड़े बड़े तेज लौंडे हैं भाई ये, बड़े तेज लौंडे, गाजियाबाद के वैसे ही हैं ये, इंद्रपुरम के बहुत तेज, कोई नहीं पूछता। चलो, आई होप आप लोग को ये कोलैबोरेशन पसंद आया हो। एक चीज पूछनी थी मैं आपसे, आप क्या बोलते हैं एनहांसमेंट के बारे में, आपको तो कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि ऑफर बहुत सारे आए थे कि ये करो वो करो, लेकिन इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, अभी जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, पता चले मेरे को कॉल आया कि भैया वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, गाँव पहुँचना है ऐसे, तो इस चक्कर में वो जो एनहांसमेंट वाली लाइफ है ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होती है कि इतने टाइम पे खाना खाना, इतने टाइम पे ये लेना वो लेना, वो चीज़ मेरे बस की नहीं है। और आज तक जो भी करा है वो अपने उस पर करा है, अपने मतलब नॉलेज पे, कि रिसर्च मारा, ये अच्छी चीज़ है, खा लिया। लेकिन एनहांसमेंट में मेरे को डर भी लगता है, पहली बात, सबसे बड़ी बात कि भाई इसके कहीं कुछ गलत ना लग जाए। और आज तो आजकल डुप्लीकेसी का भी बड़ा वो चक्कर है ना, कि असली माल मिलना मुश्किल है, इस वजह से जो है। आप भी भाई सीवन इन सबको देख के मत करोगे यहाँ टोक लिया, उनको पता कितने पैसे फूकते हैं अपने शरीर पे। साफ सीधी बात है, उनकी अर्निंग उसी काम से है। वही बता के नहीं आया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उन लोगों की अर्निंग ही उस चीज से है। अब मेरी अर्निंग बॉडी बिल्डिंग से नहीं है, अभी जब होगी तभी तब देखेंगे। बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं दोबारा इस नए मकसद के साथ। ठीक है भाई, ओके अंश भाई, दोबारा मिलते हैं भाई।